हेलो एवरीवन, आई एम रोमी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट रोमिंग। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ खास और बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, और वो रेसिपी है कॉर्न सैलेड की। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि फ्रेश कॉर्न सैलेड कैसे बनाते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी है। आप चाहें तो इसे इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं एंड मिलते हैं किचन में। कॉर्न सैलेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉर्न लिया है, इसे हमें बॉईल करना है। तो प्रेशर कुकर में मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके प्रेशर कुकर में 2 कप वाटर ऐड किया है एंड इसे बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। 15 मिनट्स हम इसे बॉईल करेंगे, उसके बाद स्पून से हम सारे सीड्स को निकाल लेंगे कॉर्न के। अब हम इसमें 1 चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें 1 चॉप्ड ग्रीन चिली ऐड करेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप ग्रीन चिली ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें 1 टोमेटो चॉप करके ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे 1/2 लेमन का जूस ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम रेगुलर सॉल्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा कम भी ले सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून मैंने रोस्टेड क्यूमिन पाउडर ऐड किया है एंड लगभग 1/2 इंच बटर का टुकड़ा मैंने ऐड किया है। इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। मेक श्योर आपको उसकी जो डंठल है वो नहीं डालना है, हमें सिर्फ लीव डालना है। तो हमारा कॉर्न सैलेड बिल्कुल रेडी है। आप इसे एज इवनिंग स्नैक्स इन्जॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ रेसिपी ट्राई कीजिए, कमेंट में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।